हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुबीना और मैं आपको सिखा रही हूं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स अपने चैनल शिफा ब्यूटी पार्लर पर। सो फ्रेंड, आप जान ही चुके होंगे कि आज मैं हेयर कटिंग का वीडियो लेकर आई हूं और आज की हेयर कटिंग पॉन्स हेयर कटिंग है, इसे मिनी मशरूम हेयर कट भी कहा जाता है। तो ये हेयर कट हमने कैसे की है वो स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो जो भी मेरे चैनल से ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कर रहे हैं या फिर जो भी सीखना चाहते हैं हेयर कटिंग, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें हेयर वॉश कर लेना है और हेयर वॉश करने के बाद हेयर को कोम करके 50% हेयर को सुखा लेना है और उसके बाद हमें हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब कि जो हमारे फेस की तरफ से मांग निकालनी है और दोनों साइड कर लेनी है और बैक साइड से हमें हेयर कटिंग करनी है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हो कि मैंने एक गाइडलाइन बनाई है बैक साइड पर, इसी तरीके से हमें गाइडलाइन बनाकर उसी गाइडलाइन को लेते हुए लेफ्ट के साइड और उसी फिर बैक से राइट के साइड हमें जाना है, वही गाइडलाइन को लेते हुए हेयर को कट करते हुए जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हो, बस इसी को फॉलो करना है। हमने जो गाइडलाइन बैक साइड से बनाई है उसे ही पहले लेफ्ट साइड लेकर जाइए या राइट साइड लेकर जाइए, उसके बाद पहले लेफ्ट या फिर राइट साइड आप ले जाके दोनों साइड में कर लीजिए, दोनों साइड से हेयर कटिंग को कर लीजिए गाइडलाइन को लेते हुए। स्क्रीन में आप देख ही रहे, बस इसी तरीके से करना है। इस साइड से भी ऐसे ही बैक साइड की गाइडलाइन को फ्रंट में लाना है और उस साइड से भी हमें इसी तरीके से हेयर को कट कर लेना है। तो फ्रेंड, आप जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और किसी रीज़न की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे, तो वो घर बैठे मेरे चैनल से ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कर सकते हैं। किसी भी टाइमिंग में, जो भी टाइमिंग उनको सूट होता है, वो टाइमिंग में मेरे चैनल से ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कर सकते हैं। अगर जिसने भी अभी ज्वाइन किया है तो वो मेरे पहले की वीडियो को वॉच कर ले ताकि वो पहले की वीडियो भी देख सके। और आप जानते ही होंगे कि मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके करना होगा बेल आइकन में प्रेस, ताकि मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम आ सके और आप हमारी वीडियो को वॉच कर सको। सो फ्रेंड, आप जानते ही है कि मैं मैक्सिमम अभी हमारी मेकअप की क्लास शुरू है और मैं मेकअप की ही वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने आज हेयर कटिंग की वीडियो डाली है और आगे भी अभी डालते रहूँगी, ज़्यादा टाइम इस तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और मैं अभी लाइव में भी आकर वीडियो बना रही हूँ, बता रही हूँ। अभी ही मैंने 2-3 दिन पहले लाइव वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने फेस बेस मेकअप बताया, मतलब जो फेस का हम बेस मेकअप करते हैं वो बताया और वो किस फेस पे बताया, जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स एंड पिंपल्स के दाग थे उन फेस पर मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो को भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली हमें इस तरीके से बैक से लेकर फ्रंट तक एक गाइडलाइन बना, वही गाइडलाइन को लेते हुए हेयर कटिंग करनी है यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है। और जो भी हेयर 19-20 हमारे ऊपर नीचे रह जाते हैं उसे हाथ में फिंगर्स की हेल्प से लेकर कट कर लेना है, जैसे कि मैंने स्क्रीन में बताया हुआ है। आप अगर ये वीडियो फुल वॉच करोगे तो आपको प्रॉपरली ये हेयर कटिंग समझ में आ जाएगी, फिर आप किसी के भी हेयर पर एज ए प्रैक्टिस कर सकते हो और सीख सकते हो। और जो बैक के, जो हमने जो बैक साइड से लेकर फ्रंट तक एक गाइडलाइन को लेते हुए हेयर कटिंग की है और उसके गाइडलाइन के नीचे के जो हेयर बचे हैं उसे बारीक बारीक हमें कट कर लेना है, जैसे कि मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ, बस इस तरीके से हमें कट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने मूज़र का भी यूज़ किया है, मूज़र के भी हेल्प से थोड़े थोड़े हेयर को कट किया है, बट प्रॉपरली नहीं हो पा रहे थे तो मैंने फिर कैंची का यूज़ किया है और कैंची से मैंने एक लाइन बनाई, मतलब कि एक बैक साइड से शेप बनाया और उसे मूज़र की हेल्प से बारीक बारीक जो हेयर है वो निकाल ले रही हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हो। मूज़र से क्या होता है कि स्किन नहीं कटती है और जो बच्चे होते हैं वो प्रॉपरली अपना, मतलब के सर हिलाते रहते हो, प्रॉपरली नहीं रख पाते हैं, तो मैं इसकी हेल्प से ही कटिंग करती हूँ, मैं कभी ब्लेड का यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल हमें हमारी लाइन आना चाहिए, जो हमने गाइडलाइन बनाई थी वो एक लाइन जैसी दिखना चाहिए, उसी को ही मिनी मतलब के मिनी मशरूम कट या फिर पॉन्स हेयर कट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी हेयर कट कम्प्लीट हो चुकी है, तो जो भी हमारे गीले हेयर थे हम उसे ड्राई कर लेंगे,
ताकि हमारा जो कटिंग है वो पूरे शेप में अच्छी तरीके से नज़र आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने हेयर को ड्राई कर लिया और उसे शेप में जैसे हमने जिस तरीके से काटा है उस तरीके से शेप दे देंगे। तो यहाँ पर फाइनल लुक आप देख सकते हो कितनी प्यारी हेयर कटिंग हुई है। देख सकते हो आप कितना प्यारा लुक है। और ये बैक साइड का लुक है, आप फ्रंट का भी देख सकते हो। फ्रंट का भी मैंने वीडियो में बताया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।